रूपनगर पुलिस ने कोरोना महामारी च मेडिसिन के तौर पर वरते जाने वाले रेमडेसिविर के टीकों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जिते 6 दोषियों को काबू किया है उत्ते ही 2 करोड़ की नकदी भी रिकवर की गई है। पुलिस वालों 2 दोषियों को अदालत में पेश किया गया है जिस वालों अदालत ने 2 दोषियों को जेल भेज दिया और 4 दोषी पुलिस रिमांड पर हैं जबकि 2 दोषी हाले फरार दसे जा रहे हैं। 2 करोड़ की नकदी तो इलावा पुलिस वालों 2 लैपटॉप बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजैक्शन भी बरामद किए हैं। रूपनगर तो मेरा पंजाब न्यूज़ लिए लाडी खाबड़ा की विशेष रिपोर्ट। वायरस जो है जिससे रेमडेसिविर सिफेप्रेजोन एंटीबायोटिक और बाकी अनलेबल्ड वायरस जो रिकवर हुई सी इस दे बेस ते पुलिस ने पर्चा रजिस्टर करके SIT बनाई। SIT ने काफ़ी 1 महीने तो भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद केस नू वर्कआउट किया है। इस बेसिक मोडस ऑपरेंडी यही निकल के आई है कि जो मेन एक्यूज है मुहम्मद शावर तो ये बाकी जो एसोसीएट्स है इन्हों फार्मास्यूटिकल लाइन का एक्सपोजर सी एक्सपीरियंस सी लगभग 5 साल का इनको एक्सपीरियंस सी तो इसने अपनी मार्केटिंग फर्म का जो है यूटिलाइज करके एंटीबायोटिक वायरस जो है वो प्रोक्योर की एक कालाम बेस्ड फर्म से। उन एंटीबायोटिक्स वायल दे इन्होंने लेबल हटाए, लेबल हटा के जो फेक रेमडेसिविर के वायल्स के इन्होंने जो एक लेबल तैयार किए थे वो सेम वायल्स के लेबल हटा के रेमडेसिविर के लेबल चिपकाते। बेस्ड ऑन डिमांड इन्होंने ये जो जितनी तैयार की सी वायल्स वो वक् वक् थां ते अपने कॉन्टैक्ट्स नाल अपने सोर्सिज नाल संपर्क करके दिल्ली हरियाणा पंजाब ते बाकी थां इन्होंने बेची है। इस केस 6 दोषी रोपड़ पुलिस वालों 6 एक्यूज जो है फड़े गए है मुहम्मद शावर, शाह नाजर, शाह आलम, अरशद खान, मोहम्मद अरशद और एक हरियाणा का रेजिडेंट है प्रदीप सिरो। इस रिकवरी लगभग 2 करोड़ टोटल रिकवरी हुई है इस 6 एक्यूज से और 2 लैपटॉप रिकवर हुए है, 4 गड्डिया इन्हों की रिकवर हुई है जो इन्होंने इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन से कैरिज से यूज़ की। नहीं असी केस जो वर्कआउट किया है उस यही गल सामने आई है कि इन्होंने लगभग 10,000 के करीब वायरस जो है एंटीबायोटिक वायरस जो है अरेंज की सी और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लान आउट करके चूँकि सैकेंड वेव पीक टाइम सीगा मार्च अप्रैल के बाद अप्रैल और मई तो इन्होंने काफ़ी डिमांड होने करके रेमडेसिविर विद फेक वायरस बना ली और इसनों आगे फर्दर सेल करते हैं। सर जिहड़े नकली जिहड़े इंजेक्शन बेच के इन्होंने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया किहड़े किहड़े मेडिकल स्टोर या अस्पताल नूं सप्लाई किया ये भी पता चलिया कुछ नहीं। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन तो यही आया है जो इन्हां दे फार्मास्यूटिकल लाइन के जो कॉन्टैक्ट सीगे हरियाणा बेस्ड दिल्ली बेस्ड उन्हां दे ही डायरैक्टली इन्होंने सेल करता। पंजाब भी सेल हो एपरेंटली उन्होंने 2-3 कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम किया है। उन्होंने फर्दर आगे कितने कितने दिता है ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एज ऑफ नाउ इट्स डिफिकल्ट टू असरटेन क्योंकि इंडिविजुअली वो वायल्स कितने कितने गई क्योंकि पीक टाइम से अप्रैल ते मई ते वो चीज़ यूटिलाइज हुई है। सर इतने जो इंजेक्शन सुट्टे गए कारण दस्सिया भी इन्होंने क्यों इतने सुट्टे ये अप्रैल के महीने से काफ़ी इस सीरियसनैस देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने काफ़ी वर्कआउट किया उसते काफ़ी एक्शन होने करके ये भी पैनिक कर गए तो पैनिक रिएक्शन करके दे डर के मारे कि ये भी फड़े जाएंगे। इन्होंने सोचा कि जो इन्हों को रेजिडुअल हूँ भी जो बनी हुई वायल्स है जो बाकी समान पड़े है उन्हों डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उस करके डर के मारे इन्होंने 5 मई को जिस दिन रिकवरी हुई और पर्चा होया उससे 1 दिन पहला इन्होंने 5 मई को उत्थे जाके डिस्पोज ऑफ किया। एज ऑफ नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि ये यूटिलाइज होए या कितने एंड यूजर का की रिस्पॉन्स होया डिफिकल्ट टू से बट
ये आप मान सकते हैं कि चूंकि रेमडेसिविर की थान पर एंटीबायोटिक सी तो उसका जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स या डिजायर्ड एक आउटकम होना चाहिए सी वो नहीं एक नैगेटिव आउटकम ही होया। किन्ने दोषी नामजद किए सर किन्ने दोषी फरार है जो ये उस हूँ तक 6 दोषी फड़े गए हैं तो बाकी जो नोमीनेट 2 दोषी हूँ एज ऑफ नाउ इन्हों की इन्वैसटीगेशन के बाद हुए है तो बाकी भी फरदर इन्वैसटीगेशन असी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की कर रहे हैं कि और भी कोई गल सामने आऊगी तो इसको वर्कआउट किया जाए।